नमस्कार, मैं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अमरनाथ में एक महिला एनसीपी पदाधिकारी ने शहर अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस पर बलात्कार के बाद मामला दर्ज नहीं करने और मामला दर्ज होने के बाद उसे वापस लेने का दबाव डाला गया, इसलिए अमरनाथ शहर के राजनीतिक महकमे में हलचल मच गई। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। अमरनाथ में राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ऐश्वर्या मोटे ने कुछ महीने पहले शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके साथ एक पुलिस कर्मचारी ने बलात्कार किया था और उसे धोखा दिया था। पुलिस कर्मचारी मिलिंद हिंदूराव को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं ऐश्वर्या मोटे ने राकापा के अंबरनाथ शहर अध्यक्ष सदाशिव पाटिल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन में बैठे थे, तभी राष्ट्रवादी के सदाशिव पाटिल हमें फोन कर रहे थे और हमें मामला दर्ज नहीं करने के लिए कह रहे थे। यही नहीं, पाटिल हमें 20 लाख रुपए का लालच भी दे रहे थे, लेकिन मैं किसी लालच नहीं पड़ी और मामला दर्ज करवाया, ऐसा ऐश्वर्या का कहना है। वही पाटिल का दबाव पड़ने के बाद ऐश्वर्या मोदी ने अंबरनाथ शहर अध्यक्ष सदाशिव पाटिल के खिलाफ सीधे राष्ट्रवादी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा रविवार को जब एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले अंबरनाथ में थी, तो मोदी ने उनसे मुलाकात की और सब सच्चाई बताई। जब यह सब चल रहा था, तब ऐश्वर्या मोटे को पार्टी के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह दूसरी लड़की को नियुक्त किया गया, इसलिए ऐश्वर्या मोटे ने आरोप लगाया है कि उसे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। 2 दिसंबर 2020 रोजी मी FIR लॉन्च केली होती, त्या टाइमला आमचे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष सदाशिव पाटील यांनी मला फोन केला आणि सांगितलं की FIR करू नको आणि दुसऱ्या दिवशी ऑफिसला ये, आपण बसून बोलूया। पण मी FIR लॉन्च केली, त्यानंतर FIR लॉन्च केल्यानंतरसुद्धा मला ह्या लोकांनी एवढा त्रास दिला की मला फोन करून धमकी द्यायला लागले की तू केस मागे घे, 20 लाख रुपये देतो, म्हणजे माझ्यावर अत्याचार झाला असूनसुद्धा ह्या लोकांनी मला सपोर्ट केला नाही, उलट माझ्यावरच मला एवढा मानसिक त्रास दिला, मेंटली मी टॉर्चर झाले। मला बाहेरून कळालं की सदा पाटील हे माझी बदनामी करत होते आणि मी त्यांना जाब विचारण्यासाठी माझ्या आईने कॉल केला, तर त्यांनी कॉलवर असं सांगितलं माझ्याशी पंगा घेऊ नका, मी सांगली साताऱ्यावरून आले नाही आहे, सारखे बोलत होते मी तुम्हाला तुला पक्षातून काढून देईन आणि तू FIR पार्टी घेतली नाही तर, असे भरपूर मला मेंटली मी बोलू पण नाही शकत एवढा त्रास दिला मला त्यांनी। मला असं वाटतं माझे पर्सनल मॅटर हे प्रोफेशनल ह्याच्यामध्ये इन्वॉल्व करताय, यामुळे मला असं वाटतं ह्या माझं पद काढून घेतलं। हे माझ्यावर अन्याय झाला आहे, पक्षाच्या वरिष्ठांनी लक्ष द्यावे आणि मी सदा पाटील यांचा निषेध करते। ऐश्वर्या की तरह उसकी मां मीना मोटे को भी सदाशिव पाटिल ने परेशान करने का आरोप लगाया है। हम सतारा सांगली से नहीं, हम स्थानीय हैं, इसलिए हमारी सलाह मान लो, ऐसा आरोप पाटिल पर मीना ने लगाया है। माझ्या मुलीची बदनामी करत होते की तिने केस पैशासाठी केली असं तसं, आम्हाला पैशाची काय गरज नाही, आम्हाला न्याय पाहिजे होता। माझ्या मुलीला न्याय मिळायसाठी आम्ही हायकोर्टापर्यंत केस लढतो आहे आणि ज्या माणसाने अन्याय केला आहे तो आरोपी आहे, त्याला आमच्याच राष्ट्रवादी पक्षातले लोक मदत करत आहे आणि आम्हाला माझ्या मुलीला खूप त्रास दिला आहे, तिने सुसाईड करायचे पण प्रयत्न केले। सदा पाटील ह्याला हा महिलांना लॉजच्या ऑफिसवर बोलवतो, हा दुसऱ्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन कुठल्या पद्धतीचा होतो महिलांना। त्याला फोनवरती बोलली की तू माझ्या पोरीची बदनामी का करतो, तुला काय प्रकरण माहिती नाही, तर गप्प बस ना बोलली। तो मला उलटा बडबड करायला लागला, तुम्ही आमच्या नादाला लागू नका, आम्ही गाववाले तुम्हाला इथे राहून देणार नाही। हमें संबंध में राकापा के शहर अध्यक्ष सदाशिव पाटील से बातचीत की तो उन्होंने कहा की मोदी के सभी आरोप बेबुनियाद, मैंने मोटे पर अपराध वापस लेने के लिए कोई दबाव नहीं डाला है, उन्होंने मुझे फोन किया और उनके परिवार ने मेरे साथ असभ्य बात की, इसलिए मैंने उन्हें ठीक से बोलने के लिए कहा। पाटिल ने ये भी कहा कि ऐश्वर्या मोटे को पद से हटाने का कारण अलग था। एनसीपी के पदाधिकारी होने के बावजूद ऐश्वर्या मोटे कुछ दिनों पहले भाजपा के मंच पर थी, वह पहले मंत्री की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुई थी, इसलिए ऐसे लोगों को पद पर रखने का कोई मतलब नहीं। गेले 15 दिवसापूर्वी
युवती अध्यक्ष विरोधात मी स्वतः तक्रार केली होती, कारण काही दिवसापूर्वी एका पक्षाचं आंदोलन चालू होता आणि त्या आंदोलनाच्या स्टेजवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची युवती स्टेजवर जर बसत असेल तर ते कितपत योग्य आहे आणि पक्षासाठी किती चांगले आहे ते. बी जे पीच्या स्टेजवर जाऊन एका बी जे पीच्या मंत्र्याच्या हस्ते त्यांनी प्रवेश घेतलेला सुद्धा त्याचे चित्र आमच्याकडे आहेत, रेकॉर्डिंग आमच्याकडे आहे. लो आम्ही इथलेच आहे, मी काय बाहेरून आलेलं नाही, तुम्ही माझ्याशी बोलताना जरा व्यवस्थित बोला, मी व्यवस्थित उत्तरं देईन तुम्हाला आणि त्याची रेकॉर्डिंग तुम्हाला सुद्धा दाखवलं मी आता, ती अजून माझ्याकडे आहे. इन सभी आरोपों की वजह से अंबरनाथ शहर के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. इसलिए यह मांग की जाती है कि पार्टी के नेताओं को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और समय पर निर्णय लेना चाहिए. तो ये थी आज की हमारी खास खबर. इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चम न्यूज़.